Hi everyone, this is Dr. Swapna Mishra again, gynecologist, Fortis Hospital, Mohali. और आज का मेरा discussion है something हटके, पर जो इसे related है, that is about weight loss after delivery. Delivery के बाद अपना वजन कैसे कम करें, कौन-कौन सी exercises हैं जिसको आप safely कर सकते हैं, घर में कर सकते हैं, जिससे आपका वजन कम हो, आपको body toned up हो और आप normal shape में आ जाएं. पर ये सारी की सारी exercises जिनके videos मैंने डाले हुए हैं इस टॉक के बाद जिनके वीडियोस आप देख सकते हैं वो सारी की सारी एक्सरसाइजेस डिलीवरी के 2 महीने बाद ही कर सकते हैं और 2 महीने से लेकर 6 महीने तक वो एक्सरसाइजेस कीजिए घर पे कीजिए और उसके बाद आप बेशक जिम ज्वाइन कर सकते हैं जब आपको बॉडी थोड़ा टोन्ड अप हो जाए पर कुछ चीजों का ध्यान रखना है डिलीवरी के बाद फर्स्ट ऑफ ऑल डिलीवरी के बाद वेट लॉस करने के लिए इंपॉर्टेंट है डिलीवरी से पहले अपना वेट गेन ज्यादा मत कराइए 11 से 13 किलो से ज्यादा आपका वेट गेन नहीं होना चाहिए आपका एक्सरसाइज प्रेगनेंसी में होना बहुत जरूरी है जिससे बाद में आपकी फिटनेस में ये आपको हेल्प करे डिलीवरी के 10 से 12 दिन के बाद चाहे आपका नॉर्मल हुआ हो या चाहे आपका सिजेरियन हुआ हो आप फिट हो वॉक करने के लिए ऑलमोस्ट 45 मिनट्स टू 1 आवर का वॉक डेली 2 शिफ्ट्स में आप कर सकते हैं मॉर्निंग हाफ एन आवर इवनिंग हाफ एन आवर और कंटिन्यूस 1 आवर वॉक ये एब्सोल्युटली सेफ है सो ये सब चीजों का ध्यान रखना है प्लस डाइट का ध्यान रखना है डिलीवरी के बाद आपको ध्यान रखना है जो मैं पंजीरी हमेशा बोलती हूँ पंजीरी में कैलोरीज बहुत होते हैं तो उसको रिस्ट्रिक्शन अमाउंट में लीजिए अगर आपका वेट ऑलरेडी ज्यादा है ट्राई अवॉइड कीजिए अगर लेना ही है मॉर्निंग में 1 स्पून और इवनिंग में 1 स्पून ले सकते हैं और मेन चीज जो आपने लेना है इस प्रोटीन इनटेक शुड बी वेरी गुड मिल्क इनटेक आपको ऑलमोस्ट 3 to 4 glasses ऑफ मिल्क पर डे होने चाहिए प्रोटीन जिनके वेजिटेरियन सोर्स है जैसे पनीर हो गया सोयाबीन हो गया टोफू हो गया आपके स्प्राउट्स हैं दाल्स हैं ये सब गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन है जो आपने लेने हैं एडिक्वेट अमाउंट में नॉनवेज सोर्स आर एग्स चिकन मटन फिश ये सारे के सारे सेफ हैं डिलीवरी के बाद तो डाइट आपकी फैटी कम होना चाहिए रिच इन प्रोटीन होना चाहिए रिच इन फ्रूट्स होने चाहिए रिच इन वेजिटेबल्स होने चाहिए जो आपको वेट लॉस में हेल्प करें उसके साथ आप वॉक 45 minutes to 1 hour डेली टिल द 2 months ऑफ डिलीवरी और उसके बाद जो जो एक्सरसाइजेस के वीडियो मैं आप डाल रही हूँ ये जो एक्सरसाइजेस हैं ये एब्सोल्युटली सेफ है घर में कोई भी मैट्रेस लेकर आप इसके ऊपर आप एक्सरसाइज कर सकते हैं एक्सरसाइज करने से कम 1 घंटा पहले कोई भी सॉलिड फूड मत लीजिए आप बेशक अगर आपको भूख लग रहा है तो आप बनाना हाफ बनाना या कुछ हैंडफुल ऑफ एलमंड्स आप ले सकते हैं प्रायर टू एक्सरसाइज एक्सरसाइज के बाद कुछ हाई प्रोटीन डाइट कुछ भी ले लीजिए जिससे ये आपका मसल गेन रीगेन करने में आपको हेल्प करे सो ओवर टू द एक्सरसाइजेस एंड रिमेंबर Each exercises का what is ideally recommended is 10 to 12 repetition of each exercise and 3 sets per exercise. Initially शायद आपसे इतना ना हो पाए you might be able to do only 5 to 7 repetitions and maybe 1 or 2 sets but gradually over a course of a month to 2 months आपका target होना चाहिए कि 10 to 12 repetition each exercise के और कम से कम 3 sets of each exercise. I brought down almost 9 exercises for you which can be safely done at home. Don't worry it's absolutely safe for whether it's a normal or a C-section. In case of any other issues, you can always contact me at Fortis Hospital, Mohali. Okay.